फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमिक प्लेटफॉर्म. आई एम मेघा तिवारी. सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट थर्ड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड दिस स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF एंट्रेंस एग्जाम इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में कि जब भी एक मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्रोडक्ट डिसीजन मतलब होता है बेसिकली कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारे कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, किस तरह के प्रोडक्ट्स की आज के टाइम में मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है. तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. गाइस, जब भी हम प्रोडक्ट के डिसीजंस लेते हैं तो कुछ एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्ट डिसीजंस को लेने में. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की है फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में. फिज़िकल अपीयरेंस के अंदर प्रोडक्ट्स की हम साइज़ की बात करते हैं कि प्रोडक्ट का साइज़ कैसा है, प्रोडक्ट की शेप कैसी है, कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है. इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है बिकॉज इन चीज़ों की वजह से हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट का फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, किस तरह का साइज़ है, कैसा कलर है, डिज़ाइन है, जो कि हमारे कस्टमर्स को अल्टीमेटली जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करता है. गाइस, नेक्स्ट इज़ एसोसिएटेड सर्विसेज. एसोसिएटेड सर्विसेज इट इज़ जनरली मीन्स अंडरस्टूड दैट द सेलर्स विल ऑफर सर्टेन प्रोडक्ट. मतलब जब भी सपोज मान लीजिए कि कोई सेलर है, जब भी वो बिफोर सर्विसेज और आफ्टर सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है. बिफोर सर्विसेज मतलब कि आज आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है तो वो जितनी भी तरह की सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है थ्रू द बेसिकली थ्रू द मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल, या आफ्टर सेल सर्विसेज भी. जैसे आज आपने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक कस्टमर को सेल कर दिया पर आफ्टर दैट आप उसका फीडबैक भी ले रहे हैं, आप उनसे प्रॉपर फीडबैक ले रहे हैं, साथ के साथ जितनी भी हर तरह से आप कस्टमर्स की हेल्प कर रहे हैं, ये हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर कवर होता है. तो ये हमारे प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी बिफोर सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज होती है इसको हमें अपने बिजनेस के अंदर रेगुलेट करना चाहिए. गाइस, नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग एंड ब्रांड नेम. प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी इससे आपके कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. तो पैकेजिंग के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो उसको किस तरीके से पैक कर रहे हो, किस तरह से एक नया शेप दे रहे हो, कैसा एक नया डिज़ाइन दे रहे हो. इन चीज़ों की वजह से आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. साथ के साथ बात आती है ब्रांड की. ब्रांड इज़ बेसिकली ब्रांड की वजह से हम प्रोडक्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ब्रांड की वजह से अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम अगर आप उसका डिक्लेयर करते हो तो उससे प्रोडक्ट की पहचान होती है. प्रोडक्ट को आप ईजिली आइडेंटिफाई करते हो थ्रू द नेम ऑफ इट्स ब्रांड. जैसे सपोज मान लीजिए कि डालडा है, डालडा ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट घी. दिस इज़ द ब्रांड, डालडा इज़ द ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ घी. सिमिलरली अगर हम बात करें कि कार्स के लिए मारुति एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है तो दिस मीन्स कि ब्रांड नेम की वजह से हम किसी भी प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. गाइस, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम आरा जो इंटायर रेंज हो जाता है, इट इज़ द इंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल. इट नीड नॉट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. दस अ गिवन प्रोडक्ट इज़ द पाथ ऑफ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय द सेलर. गाइस, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट्स की का बहुत सारी प्रोडक्ट्स का एक वेराइटी कवर होता है, एक बहुत सारे चैनल्स कवर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे वाइड वेराइटीज़
के प्रोडक्ट्स के साथ आप डील करते हो, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस नेक्स्ट इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मींस कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर ये नेट एग्ज़ाम में, चाहे आप मैनेजमेंट में दे रहे हो या कॉमर्स में दे रहे हो नेट का एग्ज़ाम, इसका कई बार ये लोग बोल देते हैं कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का प्रोसेस क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, मतलब जब आप एक प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से फिनिश गुड में प्रोड्यूस करके इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट के अंदर, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर फोकस किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने का, कस्टमर्स तक रीच पहुंचाने का, ताकि लोग इस चीज़ को समझे, लोग जाने कि मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। सिमिलरली एक बार ही आती है मैच्योरिटी लेवल की, अब प्रोडक्ट पूरी तरीके से ग्रो हो गया है, उसका एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है, अब लोग उसको समझ रहे हैं, परख रहे हैं। एंड साथ के साथ एक लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स को लोग प्रेफर ना करें, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हो, और फिर से उसका जो लेवल है वो डिक्लाइन हो जाए। तो ये जो साइकिल होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, ये इसी तरीके से रेगुलेट होती रहती है, चलती रहती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कुछ इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे प्रोडक्ट सिम्बॉलिज्म। एवरी प्रोडक्ट सिम्बॉलिजाइज सर्टेन साइज, कलर, डिज़ाइन, टेक्स्चर, स्ट्रेंथ। यस फ्रेंड्स, हर प्रोडक्ट का एक अपना एक सिम्बॉलाइज वे होता है, एक सर्टेन साइज होता है, कलर होता है, डिज़ाइन होता है, टेक्सचर होता है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया। प्रोडक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स कंटेंट्स, यूजफुलनेस, अवेलेबिलिटी। बिल्कुल, प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोग जो लेबलिंग करते हैं, उस लेबलिंग की वजह से हम प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर किस किस तरह के इन्ग्रीडियंट्स हैं, किस तक वो प्रोडक्ट आपके लिए किस किस जगह पे यूज़फुल है, क्या कंटेंट है। इन सब चीज़ों की वजह से हम प्रोडक्ट को ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं वो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। गाइस नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट परसेप्शन। कंज्यूमर हैज़ सर्टेन परसेप्शंस अबाउट द प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग इट्स क्वालिटी, यूज़फुलनेस, प्राइस एट्सेट्रा। बिल्कुल, कंज्यूमर्स की कुछ अपनी परसेप्शंस होती है, अपने कुछ ओपिनियंस होते हैं प्रोडक्ट्स को लेके। बिकॉज जब भी आप कोई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप उसको यूज़ करते हैं, तो आप बेसिकली उसको इवैल्यूएट करते हो, आप कंपेयर करते हो उस प्रोडक्ट को अपने प्राइस के साथ जो आपने पे किया है। तो इसकी वजह से आपकी कुछ अपनी परसेप्शंस होती है, आपकी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको मिला है या नहीं, या उसके अंदर कुछ कमियाँ हैं, तो आप प्रॉपर फीडबैक्स भी मार्केटर्स को प्रोवाइड करते हो ताकि आगे से ध्यान रखा जाए और वो मिस्टेक्स आगे ना हो। गाइस नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। कंज्यूमर्स जो है वो कंपेयर करते हैं, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि जो प्रोडक्ट से बेनिफिट्स डिराइव किए जा रहे हैं वो एक्चुअली जितना आपने प्राइस लेवल खर्च किया है उस हिसाब से ठीक है या नहीं। यानी जब भी आप मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेते हो, प्राइस पे करते हो, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है उसको इवैल्यूएट करते हैं, प्राइस को बेसिकली कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के साथ कि जितना हमने प्राइस पे किया है उस हिसाब से हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं। तो ये थे हमारे इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड्स। गाइस ड्यूरेबल गुड्स का मतलब टेंजिबल गुड्स, जिनको आप टच कर सकते हो और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए टीवी, फर्नीचर, कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक बार आप यूज़ करो तो ये चीज़ स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नो फ्रेंड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको लॉन्ग रन तक बेनिफिट्स देते हैं। गाइस नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर दोज टैंजिबल गुड्स दैट हैव शॉर्ट लाइफ, जिसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, जिसको आप यूज़ करने के बाद वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सोप,
जब भी आप बाथ लेते वक्त अगर आप सोप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज। सिमिलरली ईटेबल आइटम्स भी होते हैं जो आप खाते हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं ये नॉन ड्यूरेबल के अंदर होता है, जो कि बहुत जिनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम की होती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, जिनको आप कभी भी टच नहीं कर सकते बट आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल बेनिफिट्स दैट मीट द नीड ऑफ बायर, दे आर पैरिशेबल इन नेचर। इट सेल्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। कई सर्विसेज जो होती हैं ये पूरी तरह से पैरिशेबल नेचर की होती है। इसमें बेसिकली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड किया रहता है कि आप किस हिसाब से अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। जितनी अच्छे से आप अपनी सर्विसेज रेंडर करोगे उसी हिसाब से कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उन सर्विसेज को अवेल करना प्रेफर करेगा। गाइस नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूज़र। जैसे सपोज मान लीजिए आप रिटेलर शॉप, जो आपके घर के आसपास की शॉप्स होती हैं, आप वहाँ जाते हैं। जब भी आपको बेसिकली फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ जाके उन चीज़ों को परचेज कर लेते हो। तो गाइज़ जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये बेसिकली डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स जो हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली कंज्यूमर गुड्स के अंदर कई तरह के वैरायटीज आ जाते हैं गुड्स की, जैसे कि कन्वीनियंस गुड्स। गाइस कन्वीनियंस गुड्स आर सच गुड्स परचेज फॉर कन्वीनियंट प्लेसेस फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल क्वांटिटी विदाउट एनी कंपैरिजन। एग्जांपल सोप, ईटेबल आइटम्स एटसेट्रा। जैसे सपोज आपको चिप्स खाने का मन किया, बिस्किट्स लेने का मन किया, तो आप फ्रीक्वेंटली शॉप पर जाते हो, कन्वीनियंटली आपको वो चीज़ आप कंज्यूम कर लेते हो, तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते, आपको कन्वीनियंटली वो गुड जो है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। तो ये हमारे कन्वीनियंस गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी नेट में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि ये किस तरह का गुड होता है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। गाइस शॉपिंग गुड्स जो होते हैं सच गुड्स आर परचेज्ड आफ्टर मेकिंग केयरफुल कंपैरिजन। जैसे सपोज मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हो, आप सपोज़ घर में मैरिज है, आप कोई अच्छी सी ड्रेस ख़रीदने गए हो, तो ये हमारे शॉपिंग गुड्स के अंदर आते हैं। आप एकदम से कोई भी चीज़ नहीं परचेज़ कर लेते। यू नीड टू टेक अ केयरफुल कंपैरिजन्स रिगार्डिंग क्वालिटी क्या है, प्राइस कैसा है, स्टाइल कैसा है, ट्रेंडिंग है या नहीं। दैट इज़ क्वालिटी इज़ मोर एम्फसाइज्ड हियर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस गाइस शॉपिंग गुड्स के अंदर क्वालिटी के ऊपर किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं। सिमिलरली स्पेशलिटी गुड्स, सच गुड्स हैव सर्टेन यूनिक फीचर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पेशलिटी गुड्स होते हैं इसके कुछ अलग यूनिक फीचर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स आर रेडी टू गेट स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स। और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने कुछ बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स, अपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स भी लगाते हैं इन गुड्स को खरीदने में। जैसे सपोज़ मान लीजिए टाइटन की वॉच हो गई, वीडियोकॉन, वॉशिंग मशीन्स, तो ये सब जो है बेसिकली ये स्पेशलिटी गुड्स के अंदर कवर होते हैं, जिसके अपने कुछ अलग फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं। और किसी भी तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल गुड्स। फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सपोज मान लीजिए मशीन्स हैं, आप मशीन इज़ अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनदर काइंड ऑफ गुड्स। तो गाइस इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी फेस होती है। तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं ये बेसिकली फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, जो कि आप यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनदर काइंड ऑफ
गुड्स। तो गाइस, इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये टेक्निकल नेचर के होते हैं जो कन्वीनियंटली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते। गाइस, इसके अंदर इंस्टॉलेशन की भी बात आ जाती है, जैसे दीज आर इमूवेबल कैपिटल आइटम्स इन्वॉल्विंग हाई इन्वेस्टमेंट, दीज आर परचेज्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स आर बिल्डिंग्स, प्लांट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर फिक्स्ड इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन के अंदर मतलब चीज़ों को इंस्टॉल करने का खर्चा लगता है। तो गाइस, इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली इमूवेबल कैपिटल्स होते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट लगती है, एंड इसको परचेज करने से पहले आपको सबसे पहले जो हमारे टॉप हायर अथॉरिटीज़ होते हैं कंपनी की, इनसे परमिशन लेना ज़रूरी होता है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल करा रहे हो तो उससे पहले देयर इज़ नीड टू टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजर्स। गाइस, नेक्स्ट इज एसेसरीज इक्विपमेंट। गाइस, एसेसरीज इक्विपमेंट्स के अंदर बेसिकली जो हमारे मूवेबल फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे एग्जांपल हो गए आपके लिफ्ट रैक्स, हैंड टूल्स, ड्रिल्स, ये सब चीज़ें हमारी हेल्प करती है बेसिकली प्रोडक्शन को बूस्ट करने में। तो ये बेसिकली जो है ये इनएक्सपेंसिव नेचर के होते हैं, इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, पर ये आप रूटीन नेचर के होते हैं जो आप डेली बेसिस पे प्रोडक्शन को करने में हेल्प होती है एसेसरीज इक्विपमेंट से। गाइस, नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर बेसिक प्रोडक्ट्स जो बेसिकली आप यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड। सपोज मान लीजिए कि आपको एक फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो आप बेसिक रॉ मटेरियल है, जैसे वुड, आप लकड़ियों का यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रॉपर फर्नीचर, तो ये हमारा रॉ मटेरियल होता है जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स ऑफ कंपनी। फैब्रिकेटिंग पार्ट्स जो हैं हमारे, ये जो है हेल्प हो करते हैं बेसिकली, दीज आर मैनुफैक्चर्ड गुड्स दैट विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंज इन फॉर्म आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फिनिश गुड। जैसे सपोज मान लीजिए फैब्रिकेशन के अंदर आपके टायर्स, ट्यूब, बल्क्स, बैटरीज, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है जो कि हेल्प करती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में। एंड सप्लाइज़ के अंदर फ्रेंड्स, इट इंक्लूड्स द आइटम्स विच आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। गाइस, इसके अंदर वो सारे के सारे आइटम्स कवर हो जाते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तभी जाके आपके जो टास्क होते हैं, आपके मार्केटिंग गोल्स होते हैं, वो अचीव हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट प्लानिंग का है। गाइस, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्लान करना। इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ट मीटिंग द न्यूमेरियस डिज़ायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी। इट्स मीनिंग प्रॉपर प्लानिंग इज प्रॉपर प्लानिंग इन एडवांस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। गाइस, प्रोडक्ट प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है कि प्रोडक्ट को प्लान करके चलना। कि सपोज मान लीजिए आज आप मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो, तो उसको प्लान करना ज़रूरी है, उसको इनोवेटिव बनाना ज़रूरी है, क्रिएटिव बनाना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी प्लान्स आप बना रहे हो उसको प्रॉपर डायरेक्शंस दो, प्रॉपर कंट्रोल करो, क्योंकि प्लान बनाना ही इनफ नहीं होता है, उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना, उसके कंट्रोल को ध्यान देना, ताकि ठीक तरीके से आप प्रोडक्ट्स को प्लान कर पाओ। गाइस, एलिमेंट्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट प्लानिंग की जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मार्केट रिसर्च।
जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्लान करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट आज के टाइम में कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट रिसर्च पे ध्यान देते हैं। मार्केट रिसर्च मतलब पूरी मार्केट को एनालाइज़ करना कि आज के टाइम में कस्टमर्स की डिमांड किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है और किन चीज़ों की तरफ कम हो रही है। तो मार्केट रिसर्च इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गाइस, नेक्स्ट इज टेक्निकल रिसर्च। आफ्टर नोइंग द प्रोडक्ट फीचर्स डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर सच फीचर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोडक्ट और नॉट। फॉर दिस टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग टेस्ट आर डन। गाइज, आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि मार्केट को एनालाइज करके कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस उनके एक्सपेक्टेशंस को समझकर यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टेक्निकल रिसर्च को भी कंटिन्यू करना, बिकॉज टेक्निकल रिसर्च के ज़रिए ही आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत ही अलग इनोवेशंस लाते हो, क्रिएशंस लाते हो। तो मार्केट को एनालाइज़ करने के बाद का जो हमारा स्टेप होता है, टेक्निकल रिसर्च पे हमें फोकस करना पड़ता है ताकि हम एक प्रोडक्ट को नई शेप दे पाएँ, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ, लॉन्च कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो। गाइस, मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। इफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नीड्स सर्टेन मॉडिफिकेशन सो दैट इट गेट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड। यस गाइस, जो भी हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आज मार्केट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज़ मान लीजिए कि आज के टाइम में हमारे कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो यहाँ ज़रूरी होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर आना, अपने प्रोडक्ट्स के साइज़ के ऊपर ध्यान देना, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना, फीचर्स पे ध्यान देना, फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान देना, जिससे हम अपने कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। गाइस, नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड इफ़ अ प्रोडक्ट लूजेस डिमांड or its competition intensifies or it results in declining profits, the decision is to eliminate the product is also the function of प्रोडक्ट प्लानिंग। गाइस, सपोज़ मान लीजिए प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से मार्केट के अंदर फेल हो रहा है, नोबडी इज़ डिमांडिंग योर प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली आपके कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, बिल्कुल ही कंपटीशन ख़त्म हो गया है मार्केट में, आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरी होता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट से पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो, बिकॉज नोबडी इज़ प्रेफरिंग योर प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट लेवल डिक्लाइन होता जा रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को तुरंत एलिमिनेट कर दो मार्केट से, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। गाइस, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे ध्यान देना मतलब नए आइडियाज़ जेनरेट करना, स्क्रीनिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट्स है वो भी बढ़े, आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाना, क्रिएटिव बनाना, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना, इट ऑल कम्स अंडर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो गाइस, प्रोडक्ट को डेवलप करने के जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। Principle of standardization means standardization here in this regard refers to giving proper size to your product, shape, color, quantity, quality and other physical attributes of the product. यानी product की standardization के ऊपर focus करना। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर फोकस करने का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का किस तरह का साइज़ है, शेप है, कलर है, कैसी क्वांटिटी है, क्वालिटी कैसी है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना। गाइस, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इट मींस एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। गाइस, जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको एलिमिनेट करना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे हमारे जो प्रोग्राम सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस चीज़ की वजह से आप अपने प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई कर पाते हो और प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज स्पेशलाइजेशन के अंदर हम लोग फोकस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन लाने के।
डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक मॉडिफिकेशन लाना, चेंज लाना, बेहतर तरीके से चेंज लाना जिससे आपके कस्टमर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो, अट्रैक्ट हो, विच इज़ वेरी नेसेसरी. सो गाइज, आई होप यहाँ हमने एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, हमने पूरा आज डिस्कस कर लिया है इन चीज़ों के बारे में. हमने आगे जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की लास्ट टू लेक्चर्स भी हमने अपलोड कर दी हैं, देन दिस इज़ द थर्ड वन लेक्चर. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. देन प्लीज़ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एकेडमिक प्लेटफॉर्म का वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू विल लाइक इट देन प्लीज़ रिकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड press the bell icon for subscribing my channel. Thank you so much, friends.